इटावा जनपद में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमाशंकर कठेरिया ने सिंचाई बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नागरिकता बिल को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नागरिकता संशोधन बिल में इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बिल में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस मामले को बढ़ाया जा रहा है। वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हिंसा हो रही है, वह हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। जो लोग सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। नागरिकता जो संशोधन हुआ है वो देश के किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं है, केवल जो देश से बाहर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, उनको जो वहाँ प्रताड़ित हैं, ऐसे प्रताड़ित जनों को हिंदुस्तान में संरक्षण देना है, उनको नागरिकता देना है। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके अधिकारों का या भविष्य में उनके हितों का इस कानून से कोई अर्थ नहीं है।